हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित और आज हम पढ़ने वाले हैं HACCP एंड ISO 22000। तो HACCP और ISO 22000 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फूड से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर आप फूड टेक से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप बायोटेक्नोलॉजी से भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप फूड की किसी ब्रांच से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप होटल मैनेजमेंट से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं फूड से रिलेटेड तो भी आपको HACCP और ISO के बारे में बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि इनके बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते फूड से रिलेटेड, तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे आखिर कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों को ही लगभग साथ में यूज़ किया जाता है, दोनों ही फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का पार्ट है। तो देखेंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बारे में, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आसानी से। इसके साथ ही साथ आप नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई डाउट है फूड सेफ्टी ऑफिसर से, टेक्निकल ऑफिसर, फूड एनालिस्ट, किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें आज हम क्या क्या बात करेंगे अपने टॉपिक में, तो आज हम देखेंगे कि HACCP क्या होता है और हम देखेंगे कि ISO 22000 क्या है। इससे पहले हम बेसिक एक आइडिया लेंगे ISO के बारे में और हम बताएंगे कि आपको बेनिफिट्स ऑफ HACCP क्या होता है, कि आखिर किसी भी कंपनी को HACCP अगर वो एक्वायर करते हैं या फिर उसको यूज़ करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, या फिर इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं उनको, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से HACCP को समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना चाहिए ISO को। जब आप ISO को समझ लेंगे तब आपको HACCP को समझने में थोड़ा आसानी होगी और आपका जो विज़न है वो एकदम क्लियर रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ISO के बारे में। ISO 22000 को पढ़ने से पहले हम ISO के बारे में थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। तो ISO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। बेसिक अगर ISO के बारे में हम बात करें तो वो होता है ISO इज एन इंडिपेंडेंट, पहली बात तो ये इंडिपेंडेंट होता है और नॉन गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट डेवलप्स स्टैंडर्ड टू इंश्योर द क्वालिटी सेफ्टी एंड इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ ही साथ ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट डेवलप्स स्टैंडर्ड्स, जो डेवलप करता है स्टैंडर्ड्स टू इंश्योर द क्वालिटी सेफ्टी एंड इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्ट। ये तीन टर्म आप याद रखिए, ये क्वालिटी, एक सेफ्टी और इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, जो डेवलप करता है स्टैंडर्ड, एक मानक निर्धारित करता है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, क्या इंश्योर करने के लिए, क्वालिटी को, सेफ्टी को और इफिशियंसी को, ठीक है। अगर हम बात करें इसके फाउंडेड ईयर की तो ये फाउंडेड हुआ था 1947 में, तो काफ़ी समय पहले ये आ चुका है, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो ये है जेनेवा यानी कि स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद में ये जो वर्क करता है अराउंड 164 कंट्रीज़ के साथ में वर्क करता है, ठीक है। और अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसा कि आपने सुना होगा, आपने कभी सुना होगा कि ISO 9000, ISO 14001, ISO 13485 यानी कि ISO 13485, ISO 22000, ये हमें पढ़ना है। तो जैसा कि आपने सुना ना, ISO जो है, जैसे ये नंबर्स दिए गए हैं ISO 9000, ISO 14001, तो ये एक बेसिक स्टैंडर्ड को एक बेसिक कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें क्वालिटी की, अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर, तो हमारा आ जाता है ISO 9000। जब कभी भी आप किसी कंपनी को मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर किसी कंपनी को अगर बनाते हैं, उसके बाद में अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर के अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं, आप अपने सामने वाले को श्योरिटी देना चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो आपको ISO का जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ISO 9000 के जो भी स्टैंडर्ड हैं दिए गए हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप एक क्वालिटी जो होती है उसके पैरामीटर से आप पास होंगे, ठीक है।
उसके बाद में आ जाता है हमारा ISO 14001। जैसे इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की बात करें तो ISO 14001, जैसे ही इन्वायरमेंट की बात होगी ISO 14001 आ जाएगा। जब कभी आपने देखा होगा जब कभी मेडिकल से रिलेटेड बात आती है, चाहे आप मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे कोई डायग्नोस्टिक किट की बात हो रही हो, या फिर मेडिकल डिवाइसेज या सर्विसेज की बात हो रही हो, तो वहाँ पे ISO 13485 लेना बहुत कंपलसरी हो जाता है। ये आपको लेना ही पड़ेगा, विदाउट इसके आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हमें पढ़ना है वो है हमारा ISO 22000, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। जब बात आती है फूड की, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट की, तो आ जाता है ISO 22000। तो आपको याद रखना है जब भी कहीं पे फूड की बात होती है तो आंख बंद करके आप टिक कर सकते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो ISO 22000। ISO 22000 जो है वो फूड सेफ्टी को लेकर के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन फूड सेफ्टी मैनेजमेंट ISO 22000, ठीक। इसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये मेरी कंपनी है जिसमें मैं जॉब करता हूँ, तो ये मेरी कंपनी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस कंपनी ने लिया हुआ है ISO 9001 2015। देखिए 2015 का मतलब ये है कि ISO 9000 के बाद में कुछ उसमें चेंजेस होते रहते हैं, कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, कुछ उसमें चीज़ें ऐड करी जाती हैं। तो ये 9000 ISO था, 9001 था, उसमें जब 2015 में कुछ एडिशंस हुआ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करी गई, तो उसको 9001 और इसको 2015 बोला जाने लगा, ठीक है। ये होता है क्वालिटी के लिए। उसके बाद में अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊं, जैसे कि ये कंपनी जो है, एक तो क्वालिटी के लिए इन्हें लेना पड़ा ISO 9001 और 2015। इसके साथ ही साथ जो मेरी कंपनी है वो मॉलिकुलर पे काम करती है, यानी कि मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह बनाती है, और जो ह्यूमन से रिलेटेड जितना भी रिसर्च होता है उससे रिलेटेड जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो बनते हैं, जैसे मॉलिकुलर से रिलेटेड DNA RNA प्रोटीन वगैरह से। तो इन्हें लेना पड़ा ISO 13485 2016। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपनी ने दो ISO लिए हुए हैं, यानी कि दो ISO सर्टिफाइड कंपनी है। तो इस वजह से ये ज़रूरी होता है, किसी भी कंपनी को स्टार्ट करते हैं आप जैसे ही, तो जिस कंपनी में आप जो प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी ISO का स्टैंडर्ड है वो आपको फॉलो करना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ISO लेना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ISO 22000 की, तो ISO 22000 जो होता है वो, अगर हम एक लाइन में समझें, द ISO 22000 जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, स्पेसिफाइज़ द रिक्वायरमेंट फॉर अ फूड, जो स्पेसिफाई करता है रिक्वायरमेंट फॉर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी इंडस्ट्री में फूड सेफ्टी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जिनको फॉलो करना होगा, मतलब जिनको फुलफ़िल करना होगा, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जिनको फुलफ़िल करना होगा, तो उसको कौन स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा, उसके स्टैंडर्ड को कौन स्पेसिफाई करेगा, वो करेगा ISO 22000, ठीक है। तो फूड सेफ्टी से रिलेटेड अगर कोई बात होती है तो उसके लिए ISO 22000 जो होता है वो होता है, ठीक है। उसके बाद में इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि एक्सचेंज ऑफ आइडिया, जब कोई पार्टनर आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ऑफिशियली, तो वो आपस में क्या करते हैं, आइडिया को एक्सचेंज करते हैं, तो ये होता है इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बाद में एक ये इसका एलिमेंट हो जाता है सिस्टमैटिक मैनेजमेंट, वो तो इसमें होता ही है कि एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट वे में हम काम करते हैं। उसके बाद में होता है प्री रिक्विजिट प्रोग्राम। देखिए प्री रिक्विजिट प्रोग्राम का मतलब होता है प्रायर टू वर्क, अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, अगर आप कोई वर्क करने वाले हैं उससे पहले कोई वर्क को करना, जैसे कि आप एथलीट हैं या फिर आप कोई गेम वगैरह खेलते हैं, अगर आप गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे पहले आप गेम की प्रैक्टिस करते हैं, एक रिहर्सल करते हैं उस टाइप से, तो वो आपका क्या हो जाता है, प्री रिक्विजिट हो जाता है, वर्क जो होता है वो प्री रिक्विजिट हो जाता है। इसी तरीके से किसी वर्क को करने से पहले हम उसको एक प्री रिक्विजिट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा के उसको करते हैं, जिससे हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को और अच्छा कर सकते हैं और कम से कम डिफेक्ट्स हो सकते हैं, और फूड के केस में फूड की क्वालिटी को और अच्छा किया जा सकता है, जिससे फूड सेफ्टी को और ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा सकता है, मतलब फूड सेफ्टी को ध्यान में और ज़्यादा रखा जा सकता है, ठीक है। हमें जो इसमें से पढ़ना है, हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है HACCP प्रिंसिपल, जो चौथे नंबर पे आता है। तो अब हम पढ़ेंगे HACCP क्या होता है। तो आपको समझ में आया, HACCP कहीं ना कहीं ISO का ही एक पार्ट है, ठीक है, एक
उसका एक एलिमेंट है। उसके बाद में अगर हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईएसओ की बात करें तो हम देख लेते हैं, जैसे कैरी आउट द हैजार्ड एनालिसिस को कैरी आउट करना, इसके साथ ही साथ डिज़ाइन द एचएसीसीपी प्लान, एचएसीसीपी को प्लान करना, उसके साथ ही साथ आइडेंटिफाइड द प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स, उसको आइडेंटिफाई करना, सेलेक्ट द ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स। प्री रिक्विजिट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है प्रियर टू वर्क, किसी वर्क को करने से पहले उस चीज़ को करना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें स्टेप्स जो हैं, अगर ISO 22000 को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं एक बार हम देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले किसी भी प्लान को, किसी भी स्टैंडर्ड को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए एक टीम होनी चाहिए, ठीक है। तो नॉमिनेशन ऑफ द फूड सेफ्टी टीम जो कि इसको करेगी इम्प्लीमेंट। उसके बाद में आ जाता है सेटिंग अप प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम को सेट करेंगे, उसका सेटअप करेंगे। उसके बाद में हम डेवलपमेंट ऑफ द एचएसीसीपी प्लान को डेवलप करेंगे, फिर हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। उसके बाद में हम करेंगे ट्रेनिंग, अवेयरनेस जनरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, फिर हम इंटरनल FSMS ऑडिट करेंगे, यानी कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट करेंगे। ऑडिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ऑफिशियल एग्जामिनेशन करना, ठीक है। उसके बाद में होता है मैनेजमेंट रिव्यू, रिव्यू यानी कि जांच करना, फिर आता है आपका सर्टिफिकेशन, लास्ट में आपका सर्टिफिकेशन आता है, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा तो याद रहेंगे ये स्टेप्स, बहुत ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे HACCP, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो HACCP की अगर बात करें तो HACCP के अगर छोटा सा अगर हम डिफिनेशन बात करें तो वो क्या होगा, HACCP इज़ अ सिस्टमैटिक प्रिवेंटिव अप्रोच टू फूड सेफ्टी फ्रॉम बायोलॉजिकल केमिकल एंड फिजिकल हैजार्ड। देखिए हैजार्ड की अगर बात करें तो हैजार्ड बायोलॉजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। तो HACCP एक सिस्टमैटिक प्रिवेंटिव अप्रोच है। देखिए प्रिवेंटिव मतलब ये है कि अगर कुछ होने वाला है, कोई रिस्क होने वाला है तो उसको कंट्रोल करना, उसको रोक देना या फिर उसको एलिमिनेट कर देना, ये एक तरीके से जो अप्रोच होता है इसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव अप्रोच, ठीक। अगर हम यहाँ पे बायोलॉजिकल हैजार्ड की अगर बात करें, हैजार्ड यानी कि रिस्क, तो अगर बायोलॉजिकल रिस्क की बात करें तो जैसे कि आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब चीज़ें अगर फूड में इन्वॉल्व होती हैं तो वो बायोलॉजिकल हैजार्ड को राइज कर सकती हैं, ठीक है। केमिकल की अगर बात करें, अगर आप फूड को जब प्रिपेयर करते हैं तो उसमें अगर कोई केमिकल वगैरह, एडिटिव्स वगैरह कभी कभी यूज़ करते हैं और प्रोसेसिंग एड्स वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर आप जहाँ पे अपने सेटअप को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे अगर आप कोई केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को सैनिटाइज़ करने के लिए, यानी कि उसको साफ़ वाफ़ करने के लिए कहीं पर अगर आप कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो फूड में अगर चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद में फिज़िकल हैजार्ड, जैसा कि कोई कांच का टुकड़ा हो गया या फिर हेयर फॉलिकल्स हो गए, तो नेल्स वगैरह हो गया, तो कोई फिज़िकल मटेरियल जैसे कि कंकड़ पत्थर छोटे छोटे महीन महीन से हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, तो ये सब फिज़िकल पार्टिकल हैजार्ड्स होता है, ठीक है। तो आई होप आपको फिज़िकल और बायोलॉजिकल और केमिकल समझ में आया होगा क्या होता है हैजार्ड। उसके बाद में HACCP को अगर हम थोड़ा सा तोड़ के उसको समझने की कोशिश करें तो जैसे कि हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, हैजार्ड यानी कि मतलब होता है हैजार्ड का रिस्क, डेंजर टू हेल्थ, जो हमारे हेल्थ के लिए क्या है एक तरीके से डेंजर है उसको हम हैजार्ड बोल सकते हैं, ठीक है, फूड के केस में। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब आप समझते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हैजार्ड, हैजार्ड की एनालिसिस करना एक तरीके से। क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब होता है क्रूशियल फॉर कंटेनमेंट, कंटेनमेंट मतलब होता है रोकथाम, रोकथाम के लिए जो क्रूशियल है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट के बारे में हम थोड़ा सा आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद में कंट्रोल, कंट्रोल के बारे में आप समझ ही गए हैं, हैंडलिंग ऑफ द कंडीशन, किसी भी कंडीशंस को हैंडल करना यानी कंट्रोल करना। पॉइंट, पोजीशन इन द प्रोसेस, कोई भी आप पूरा प्रोसेस अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि कोई प्रोसेस है फूड प्रोसेसिंग अगर आप कर रहे हैं उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, पैकेजिंग होता है, वॉशिंग होता है, इंग्रेडिएंट वगैरह ऐड होते हैं, काटते पीटते हैं फूड को शेप में, तो पर्टिकुलर स्टेज के जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना या फिर कोई स्टेप होता है उसको हम यहाँ पर पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है, पूरे प्रोसेस में जो स्टेज का पॉइंट होता है। तो HACCP की अगर बात करें तो HACCP अगर बोलूँ मैं तो HACCP एक सिस्टम है जो कि एक साइंस बेस्ड सिस्टमैटिक सिस्टम है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक हैजार्ड एंड मेजर्स फॉर देयर कंट्रोल टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ फूड।
यानी कि फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है, फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए और स्पेसिफिक हैजार्ड्स और मेजर्स, मेजर्स यानी कि उपाय, उसको क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, आइडेंटिफाई करना स्पेसिफिक हैजार्ड्स एंड मेजर्स फॉर देयर कंट्रोल टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ फूड, स्पेशली इंश्योर द सेफ्टी ऑफ फूड को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और HACCP इज़ एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज मेथड है ये, ठीक है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज मेथड है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में HACCP सिस्टम कैन बी यूज्ड एट ऑल स्टेजेस ऑफ अ फूड चेन, फ्रॉम फूड प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन एंड प्रोसेसेस इंक्लूडिंग पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब है HACCP सिस्टम को ऑल ओवर स्टेजेस पे यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि फूड चेन में, जैसे कि फूड प्रोडक्शन होता है, प्रिपरेशन होता है, इंक्लूडिंग पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सारे स्टेप्स पे इसको यूज़ किया जा सकता है HACCP को, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे HACCP के प्रिंसिपल्स के बारे में, जो कि आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेवन प्रिंसिपल्स के बारे में, जो सेवन प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ मैं अभी थोड़ा सा नाम लूँगा इनका, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन पे, मैं पढ़ूँगा, उसके बाद में थोड़ा सा आगे जाके हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि पर्टिकुलर पॉइंट का क्या मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल में पॉइंट है वो है कंडक्ट अ हैजार्ड एनालिसिस, यानी कि हैजार्ड को पता लगाने के लिए हम हैजार्ड एनालिसिस को करेंगे। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के बारे में हम आगे अच्छे से समझेंगे। फिर है आपका इस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट, क्रिटिकल लिमिट को इस्टैब्लिश करना। उसके बाद में इस्टैब्लिश मॉनिटरिंग प्रोसीजर, मॉनिटरिंग का मतलब ही यही है कि निगरानी रखना चीज़ों पे, कि चीज़ें प्रॉपर वे में हो रही हैं कि नहीं है। उसके बाद में इस्टैब्लिश करेक्टिव एक्शन, यानी कि मॉनिटरिंग के बाद में जब भी आपको कोई रिजल्ट मिलता है प्रॉपर वे में चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन करेंगे, तो इस्टैब्लिश करेक्टिव एक्शन। उसके बाद में आ जाता है, उसके बाद में आपका सिक्स नंबर पे आ जाता है इस्टैब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर, सारी चीज़ें होने के बाद हम वेरीफाई करते हैं कि चीज़ें जिस पर्याप्त वे में हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कि जैसा हम चाहते थे वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम करेंगे वेरीफिकेशन। और लास्ट में जो भी हमें रिकॉर्ड डेटा मिलेगा, हम उसको क्या करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, उसको रखेंगे। तो जो हमारा सेवन्थ स्टेप एंड लास्ट स्टेप हो जाएगा, वो हो जाएगा इस्टैब्लिश रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा HACCP के प्रिंसिपल्स को डिटेल में। तो पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंडक्ट अ हैजार्ड एनालिसिस, तो प्लान टू डिटरमाइन द फूड सेफ्टी हैजार्ड, आइडेंटिफाई द प्रिवेंटिव मेजर्स, स्पेशली इसमें यही पता लगाएंगे कि हम जो भी हैजार्ड है वो बायोलॉजिकल है या केमिकल है या फिजिकल है, किस टाइप का हैजार्ड है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही तो हम आगे वर्क करेंगे। और ये भी पता लगाएंगे कि वो हैजार्ड है वो कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ है या फिर अनसेफ है, ठीक है। ये सब पता लगाने के लिए हम हैजार्ड एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में आपका आ जाता है पॉइंट नंबर टू, यानी कि आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। देखिए क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या होता है, तो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट इज अ पॉइंट, स्टेप और प्रोसीजर इन अ फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एट विच कंट्रोल कैन बी अप्लाइड एंड एज अ रिजल्ट अ फूड सेफ्टी हैजार्ड्स कैन बी प्रिवेंटेड, एलिमिनेटेड और रिड्यूस टू एन एसेप्टेबल लेवल। देखिए क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कोई स्टेप हो सकता है, कोई प्रोसीजर हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। देखिए मैन्युफैक्चरिंग जब प्रोसेस होती है फूड की, तो प्रोसेसिंग तो काफ़ी बड़ी होती है, उसमें कई सारे स्टेप होते हैं, कई सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो उस क्रिटिकल पॉइंट का पता लगाना कि अगर हम उस पर कोई कंट्रोल अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से जो हमें रिजल्ट मिलता है उससे फूड हैजार्ड को, फूड सेफ्टी हैजार्ड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो एक पॉइंट होता है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम कोई कंट्रोल अप्लाई करते हैं, तो उससे हम फूड हैजार्ड को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम बोल सकते हैं क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है इस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट फॉर ईच क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। ईच क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जैसे हम कि हमने कंट्रोल पॉइंट की बात करी, क्रिटिकल कंट्रोल, उस पर्टिकुलर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के लिए एक मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू होगी फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल हैजार्ड्स को लेकर के, ठीक है। जैसे कि फिर हम उसको रिमूव कर सकते हैं या फिर यानी कि प्रिवेंट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका लेवल पहले देखेंगे कि वो लिमिट मैक्सिमम होनी चाहिए या मिनिमम होनी चाहिए, वहाँ पे हम वो डिटरमाइन करेंगे, ठीक है।
उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा इस्टेब्लिश क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट। देखिए मॉनिटरिंग के बारे में यही होता है कि किसी भी चीज़ की निगरानी रखना, जो प्रोसेस पूरी तरीके से चल रहा है उसको क्या करना, उस पर निगरानी रखना, उसको मॉनिटर करना, जिससे हम आगे पता लगा सकते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं वो प्रॉपर वे में हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद में इस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शन, जैसे कि आपने पीछे किया मॉनिटरिंग, जब आप मॉनिटर करेंगे चीज़ों को तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। और डेविएशन फ्रॉम एन इस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट, जो क्रिटिकल लिमिट्स के थ्रू आपको जो रिज़ल्ट मिलता है वहाँ पे, उसमें आप देख पाएंगे कि चीज़ें प्रॉपर वे में हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, अगर कुछ गलत लग रहा है आपको तो आप क्या करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे ना। तो इस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शन में हम यही करेंगे कि चीज़ों को करेक्ट करेंगे, वहाँ पे हम करेक्टिव एक्शन लेंगे, कोई ना कोई एक्शन लेंगे जिससे हम उस पॉइंट को करेक्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इस्टेब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर आ जाएगा सिक्स नंबर पे, ठीक है। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, आपने भी देखा होगा, हम किसी चीज़ को वेरीफाई करते हैं अपनी श्योरिटी के लिए, क्या करते हैं, चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन इंश्योर द HACCP प्लान जो है हमारा इज एडिक्यूएट, यानी कि वो पर्याप्त है, दैट इज़ वर्किंग एंड इंटेंडेड, यानी कि जैसा हमने सोचा था, जो हमारा इरादा था उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए हम करते हैं क्या, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में हम करते हैं इस्टेब्लिश रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर, यानी कि सारा जो डेटा होता है हम उसको मेंटेन करके रखते हैं, एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, उसी प्रोसीजर को बोलते हैं इस्टेब्लिश रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर। HACCP रेगुलेशन रिक्वायर्ड दैट ऑल प्लांट्स मेंटेन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इट्स हैजार्ड एनालिसिस एंड रिटेन HACCP प्लान। जो भी चीज़ें आपने, जितनी भी चीज़ें की हैं इसमें, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना ही होता है आपका रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इसमें साइंटिफिकली देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद में बेनिफिट ऑफ HACCP, आखिर आप भी समझ गए होंगे इतना सारा पढ़ने के बाद में, जब HACCP है तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, ये तो बेनिफिट्स हैं ही हैं, आप अपनी तरफ से भी सोच सकते हैं कि कितने सारे बेनिफिट इसके हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि HACCP को करके हम किसी चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, जो हैजार्ड है उसको कई हद तक रोका जा सकता है, ठीक है, और फूड सेफ्टी को और ज़्यादा इंश्योर किया जा सकता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट टूल दैट प्रोवाइडेड अ मोर सैचुरेटेड approach to the control of identified hazard in comparison traditional inspection and quality control procedure, ठीक है। तो hazard को हम identify करेंगे, फिर उसको क्या कर सकते हैं, control कर सकते हैं, उसको control करने का जो पूरा procedure है वो भी इसमें दिया गया है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा important हो जाता है, तो ये इसका एक benefit हो जाता है। उसके बाद में इज अ systematic approach है covering all aspect of food safety from raw material to final product, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, HACCP को पूरे procedure में implement किया जा सकता है, ठीक है, initial level से final level तक। उसके बाद में अंडर द FSSAI एक्ट, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इसेंशियल टू इंश्योर लाइसेंस एंड कंसेंट टू ऑपरेट, लाइसेंस को इंश्योर करने के लिए, कंसेंट मतलब सहमति ऑपरेट करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है HACCP उसके लिए। उसके बाद में इंटरनेशनल अथॉरिटीज सच एज ज्वाइंट FAO और WHO कोडेक्स एलिमेंटरियस कमीशन प्रमोट HACCP एज द सिस्टम ऑफ चॉइस फॉर इंश्योरिंग फूड सेफ्टी। तो जैसा कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैंने पीछे बताया था कि एक ऐसा कमीशन है जिसका बेसिकली काम ही है फूड को लेकर के गाइडलाइंस बनाना, ठीक है। तो HACCP को प्रमोट कौन करता है, प्रमोट करता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एज द सिस्टम ऑफ चॉइस फॉर इंश्योरिंग द फूड सेफ्टी। ये चॉइस होती है कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं और अपनी आप फूड की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, फूड सेफ्टी को और ज़्यादा इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप फूड की सेफ्टी को और ज़्यादा इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा HACCP एंड ISO के बारे में। तो आई होप आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े हैं, तो इतने बड़े वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से। लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है, और ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।